सीसी न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप इस वक्त मेरे साथ काफी लोगों को मौजूद देख सकते हैं और पीछे एक बैनर लगा है, विशाल धरना प्रदर्शन, और इस पे लिखा है देश के ऑटो टैक्सी टेम्पो बस ट्रक, मतलब ये सारे परिवहन चालक हैं, यहाँ पे सारे ड्राइवर हैं और यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए एक बार इनसे जानते हैं क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं सरकार से और कितने दिन तक इनका यह धरना प्रदर्शन रहेगा। कहाँ से आए सर आप, पहले ये बता दीजिए। नमस्कार, आपके जितने भी मीडिया के द्वारा जो दर्शक हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है जी, और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूं। अच्छा। और आज 6 मार्च को जो हम लोग खड़े हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के सभी ड्राइवर, ऑटो टैक्सी बस ट्रक सारे ड्राइवर मिलके भारत में ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस, जो भारत में 365 दिन सड़कों पर ड्राइवर काम करते हैं जी जी जी, लेकिन उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलता है, उस सम्मान के लिए हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। और आज देश के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सारे यूनियन के लोग और सारे राज्यों से जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, तो आप लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, इस वजह से आप यहाँ पे आए हैं आज के विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए। आपने सम्मान समझा नहीं मैम, आपने बातें समझी नहीं। सम्मान का मतलब क्या है, 365 दिन ड्राइवर सड़कों पे काम करते हैं, क्या उन्हें एक दिन सम्मान नहीं मिलना चाहिए देश में? देश की अर्थव्यवस्था में 60% उनका योगदान। ड्राइवर आयोग का मतलब क्या है कि ड्राइवर के लिए कानून का गठन है, हम उन डिमांड को लेकर आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ड्राइवर का कहां योगदान है, फिर भी 365 दिन में एक दिन सम्मान नहीं मिलता है, क्या दर्शाता? भारत में सड़कें बन रही है, भारत में सड़कें बनी है, लेकिन सड़क के किनारे शौचालय की सुविधा नहीं है। ड्राइवर कितने शोषित और वंचित होते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, इन बातों को कहां दर्शाया जा रहा है, कौन दर्शा रहा है? कोरोना में आप लोगों को कोरोना वॉरियर बोला था प्रधानमंत्री, बोला था नहीं बोला था, इसका मतलब नहीं, नहीं आपने इसका मतलब नहीं सुना था। एक बार गैस टैंकर के लिए सिर्फ बोला था मोदी जी ने, और मैं पूरे कोरोना काल में सड़कों पर ही रहा हूँ, एक सिर्फ गैस टैंकर के लिए उन्होंने बोला था, कोरोना वॉरियर नहीं बोला था, कहीं कुछ नहीं बोला गया। किसी सांसद किसी विधायक ने आज तक आवाज उठाई हो देश में ड्राइवरों के लिए? आप कह रहे हो कि बोल दिया, किसने बोल दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुड डिलीवरी आइटम्स को बोला था कि आप लोग कोरोना वॉरियर हैं, आपने सुना नहीं था? मैंने पूरी बातें सुनी है। सिर्फ गैस टैंकरों के लिए उन्होंने एक बार बोला था। मैं अच्छी तरह सारी बातों को सुनता हूँ और मंत्रालय से कनेक्ट हूँ, सारी चीजों को मैं सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं, इस देश में ड्राइवर वो है भारत का जो भारत के बेहतरी और भारत को बेहतर समझने वाला ड्राइवर से ज्यादा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप जितना सड़कों पे नहीं घूमते हैं उतना हम सड़कों पे घूमते हैं। भारत के हर उस कस्बे उस गांव से हम गुजरते हैं और भारत को ड्राइवर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ये मेरा मानना है। और कोरोना काल में जितने हम लोग सड़कों पे रहे और भारत को जितने करीब से देखे हैं, वो भारत की मीडिया और भारत के कोई भी ऐसे नेता विधायक उस चीज को नहीं देखे। लोग घरों में छुपे थे, हम सड़कों पे चल रहे थे, ऐसे लगता था जैसे हॉरर फिल्म के अंदर जब फिल्में दिखती है जिसमें गांव घर सुने होते हैं, वैसी स्थिति थी भारत की। कहां दिखाया उसने? मैं सड़कों पे घूम रहा था पूरे कोरोना काल में, मैं सड़कों पे ट्रक चलाया हूँ, मैं गेहूं धोता था, खाने के आइटम लेके जाता था, मुझे मालूम है ना क्या हो रहा था, तो वो चीजें दर्शाई नहीं गई है। क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? ड्राइवर 24 घंटा ड्यूटी करते थे लेकिन ड्राइवर को टाइम में खाना भी नहीं मिलता था, कोरोना में सामान नहीं मिलता था, ड्राइवर खुद सामान लेके जाते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में आप लोगों के साथ में डिस्टेंसिंग करवा दी थी सरकारों ने। हम लोग तो चल रहे थे, सामान लेके जा रहे थे एक जिले से दूसरे जिला, एक राज्य से दूसरे राज्य। अभी आपने 27 से 28 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी माना है कि भारत में ड्राइवरों की दुर्दशा बहुत ही बुरी है। ये सही बात है, आप कभी भी देखेंगे तो टोल प्लाजा वगैरह पे भी ड्राइवरों के साथ बदतमीजी होती रहती है, दिल्ली पुलिस चाहे कोई भी पुलिस हो इनके साथ आए दिन बदतमीजी करती रहती है, सड़क दुर्घटना कहीं भी होती है तो बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर्स वगैरह पे सबसे पहले इल्जाम लगाए जाते हैं। एक मिनट में बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जब 27-28 जून को माना और उसने 28 राज्यों और केंद्र
को और केंद्र शासित 8 जो हमारे हैं उनको भी जब दिया केंद्र शासित राज्यों को, तो उसके बावजूद भी क्यों नहीं सरकार इस पर विचार कर रही है। ड्राइवरों की जो दुर्दशा है उसके बड़े लिस्ट आए हुए हैं, अगर आप देखेंगे उसके लिस्ट भी होंगे, तो वो चीजें क्यों, ये क्या कारण है जो ड्राइवर को एक दिन सम्मान न मिलना। ड्राइवरों से जुड़ी हुई समस्या एक नहीं है, भारत के नितिन गडकरी जी कई बार उन्होंने पत्रों के माध्यम से राज्य सरकारों को दिया है कि अवैध वसूली को रोका जाए, लेकिन एक एक बॉर्डर के ऊपर लाखों करोड़ों में पैसे अवैध लिए जाते हैं, वो खुद असमर्थ नजर आते हैं। भारत के जो परिवहन मंत्री जो है केंद्रीय, वो असमर्थ नजर आते हैं, उनके पत्रों के बावजूद भी राज्य के अंदर अवैध वसूली रुक नहीं रही, ये अच्छी तरह वो भी जानते हैं, और सड़कों पे चलने वाले ड्राइवर तो इस चीज को बेहतर जानते हैं। तो आज जो एक दिन हम लोग आज खड़े हुए थे, अभी तक क्या होता था ना कि एक ऑटो वाले आए, ट्रक वाले आए, टैक्सी वाले आए, अलग अलग लोग आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि पूरे देश के संगठन यहाँ जमा हुए और सारे ड्राइवर जमा हुए हैं, यहाँ भारत के सभी राज्यों से आए हुए हैं, सारे लोग आए हैं, देशव्यापी आंदोलन है आज, और एक दिन का धरना प्रदर्शन करके हमें दर्शाना चाह रहे थे, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अब जाग चुके हैं अपने सम्मान के लिए, और ड्राइवर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी हैं। क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है आपको ऑन रोड? ड्राइवर की समस्या तो मैं आपको अगर शुरू से बताऊं तो ड्राइवर होना और ड्राइवर कहने में लोगों को शर्म महसूस होती है। एक ड्राइवर ड्राइवर बताने में लोग शर्माते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ। एक बच्चा अपने मायने में जो व्यक्ति किसी भी चीज को चला दे, घर चलाने वाला भी ड्राइवर है, देश चलाने वाला भी ड्राइवर है, ड्राइवर तो वही है जो अच्छे से किसी भी चीज को चला दे। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ड्राइवर बताने में लोग शर्माते हैं। बच्चा अपने पिता के बारे में नहीं बताता है कि मैं ड्राइवर हूँ, और एक ड्राइवर जो है ना वो लोगों को अगर बता दे तो उसकी शादी नहीं होती। तो ये बात है, समस्या दिक्कत क्या रही है, दिक्कत का तो पहाड़ है यहाँ, दिक्कतों की तो किताब है हमारे पास, क्या सुनाऊं मैं, और इतने कम समय में आप सुनेंगे क्या? कभी डिबेट 1 घंटे का ले लीजिए, पूरे देश को मालूम चल जाएगा हम लोग क्या तकलीफों में रहते हैं। ये 10 मिनट 20 मिनट के वीडियो से नहीं होगा, क्योंकि समस्या 75 साल से है और धरना एक दिन का, तो इतनी बड़ी समस्याओं को एक दिन में समेटना ऐसा तो मेमोरी नहीं है मेरे पास जो एक ही बार मैं कर दूं। लेकिन मेरा जो कहना है कि अमृत काल में भी समस्याएं हटी नहीं आप लोगों की। आज आप एक चीज में मेरे को बताइए कि आप ये रहते हैं ना, आप ऐसा तो नहीं कि भारत से ही है, तो आप ऐसा नहीं है, मैं भारत से ही हूँ, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि आप भारतीय हैं और मैं भी भारतीय चालक हूँ, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार सड़कों पे जाके देखें, जिस तरफ देश के हमारे जो मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत हो गया, मेरा मानना है कि 40% आबादी आज भी शौच के लिए बाहर डब्बा लेकर सड़क पे जाती है, और उसमें शौचालय के लिए मिशन बनाए गए, शौचालय के पैसे बांटे गए देश में, बांटे गए ना, लेकिन आज भी सड़कों पे चलने विधायक खा गए, गांव में जाके देखो। और सुन लो, अभी आपने क्या बोला, प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर बोला है, प्रधानमंत्री जी को मेरा चैलेंज है, एम्बुलेंस कोरोना किसने चलाई, ऑक्सीजन के टैंकर किसने चलाए, अरे एम्बुलेंस सबसे ज्यादा दलाली हुई है कोरोना में, राशन किसने पहुंचाया, सिलेंडर किसने पहुंचाए, सैनिटाइजर में ड्राइवर ये कह रहे थे ना कोरोना में, कोरोना गाड़ी नहीं चला रहा, नासे उठाने वाले पैदा नहीं होते, घरों में सड़के मर जाते, कोरोना में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस ने दलाली करी है, सबसे ज्यादा ड्राइवरों ने ड्राइवरों ने दलाली नहीं की, दलाली की है पुलिस ने, कितने बंदे हो, 1 2 3 4, ये बैरिकेड पार करना है तो 2000 रुपए लगेंगे, पैदल चलने वालों से वसूली, जुर्म करा निकलो ग्रामीणों में, निकलो माइक लेके मत मिलो, कितने बंदे 10 4000 रुपए लगेंगे ये बैरिकेड पार करने से, जाओ पीछे, ये निकलो माइक लेके जाओ, थोड़ा ग्रामीण में जाओ भाई, गरीब लोगों को पूछो, बता रहा हूँ जो मूलभूत, इधर आ जाओ माइक लेके, इधर आओ, मैं बता रहा हूँ कि मूल अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार जो भारत में, आज ये जो चीजें मैंने बताया ना आपको, आपने कहा कि शौचालय की मिली है, मैं सड़क किनारे की बात कर रहा हूँ कि आज जिस माहौल में होटल बने हुए हैं सड़क किनारे, मैंने इस पर नितिन गडकरी जी को ऑलरेडी पेपरों के माध्यम से लिखा है, पत्र भी लिखे हैं, और उन्होंने हमारी इस बात को एक वीडियो में भी कहा कि ये सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन लेकिन इस पर नहीं हुआ, तो ये चीजें जो आप संज्ञान नहीं लिया, नहीं क्योंकि अगर एक दिन चाहे भारत की सरकार ना, तो एक दिन में लागू हो सकता है, एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि जो होटल अगर नहीं हो तो उस पर शौचालय नहीं हो तो ऐसे बनते, समझिए, तो ये सारी चीजें हैं। और
समस्याएं बहुत है, आप इतने समय में हमसे नहीं ले सकते। कभी अगर आपको है तो आप बुलाइए एक घंटे के लिए हमें डिबेट में, और मैं देखता हूँ पूरा देश सुनेगा और देश अवगत होगा कि एक ड्राइवर भारत की बेहतरी के लिए और बेहतर भारत को कितना समझता है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा और जिन लोगों को कहना, मैं सबसे पहले आपके चैनल को दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरताज, जो कि हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत फैमिली सभी राज्य से चलकर आई है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, सब जगह से। क्यों? क्योंकि ड्राइवर के लिए। तो मैम, आप दिल्ली में देख रहे हो कि ऑटो चालक के लिए तो भ्रष्टाचार ही है, अगर आप रोडों पर जाके देखोगे तो ट्रक चालकों के साथ जितना अत्याचार होता है, अवैध वसूली, बॉर्डरों पे टॉर्चर करना और कहीं ढाबों पे सुरक्षा ना होना, यानी कि चोरी हो जाना, डीजल चोरी हो जाना, ड्राइवर को ही टॉर्चर किया जाता है, ना उनकी FIR की जाती है और उनको थुतकारा जाता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के कारण पता है क्या चल रहा है आज के टाइम में, फोटो खींचा और चालान कर दिया। तो ऐसे हमारे ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसके लिए हमारे जो आज हम सभी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, हमने अपने राष्ट्रपति कार्यालय में अपने ज्ञापन दिया है 29 मांगों का, जो कि किन्नर दिवस मनता है, टीचर दिवस मनता है, जो देश में तीन जने देश को चला रहे हैं, देश का किसान, देश का ड्राइवर और देश का जवान, जो कि ड्राइवरों के लिए अग्नि मिल सकता है क्या सम्मान का, जो साल के 365 दिन दिन के 24 घंटे काम करता है, एक सम्मान का दिन नहीं मिलता है। और एक ड्राइवरों को जैसे किन्नर आयोग में बना हुआ है, सभी तरह के आयोग है, तो उसके लिए ड्राइवर आयोग के लिए हमारा जो संघर्ष कर रहे हैं सभी संगठन यूनियन मिलकर, तो हमारी ड्राइवर की समस्या को लिए, तो ट्रांसपोर्टर तो अपने अपने लिए कर लेते हैं, बाकी ड्राइवर को सबसे पीछे धके लगा है, जो देश की अर्थव्यवस्था संभाले बैठा है उसी के साथ टॉर्चर किया जाता है। मैम, तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से और आप इसके भी हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, जो कि देश के 22 करोड़ चालकों की, जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आवाज उठा रहा है, ये निस्वार्थ ड्राइवर समाज के लिए आवाज उठा रहा है, तो आपसे ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट है आप इनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे।